Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students of 8th class, हम लोग आज उर्दू का सबक पढ़ रहे हैं. हमारा आज का पैगाम है गुस्सा नहीं करना. जल्दी से आप लोग अपनी अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करें. कल हम लोगों ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये वाला जो है हमारा सबक वो शुरू किया था. आज हम इसकी जो रिमेनिंग रीडिंग है वो करेंगे पेज नंबर 12 पे. पेज नंबर 12 ओपन करें, पैराग्राफ लास्ट है. इस्लामी तारीख गवाह है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर आड़े वक्त में अपने भाइयों की मदद की, आड़े वक्त में यानी मुश्किल वक्त में, और उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी. ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को खुदा की राह में, पेज नंबर 13, खुदा की राह में मालो दौलत देने का कहा, तो हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन अपना आधा माल राह खुदा में पेश कर दिया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर मुसलमानों से कहा कि वो कुछ ना कुछ माली मदद करें ताकि हम लोग जंग में जो है या ग़ज़वा में जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें. तो इस मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने घर का आधा सामान लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को पेश कर दिया. जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सखावत की बेमिसल तारीख़ रकम कर दी. जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी मिसाल कायम की जिसकी कोई भी नज़ीर, कोई भी एग्ज़ाम्पल कहीं नहीं मिलती. उन्होंने अपने घर का सारा सामान लाकर रहमते दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया. अपने घर का सारा सामान, यानी उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा जो कुछ घर पे मौजूद था, जितना भी सामान था, वो सारा लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया. सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि ऐ अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो, तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि सारा सामान तो आप यहाँ ले आए हैं हमारे पास, तो घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हैं, तो उन्होंने ऐसा तारीख़ी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल, यानी अल्लाह ताला की ज़ात पे उनको इतना कामिल यकीन था कि वो उनके घर वालों की हर मुश्किल में मदद करेगा. सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल की तर्जुमानी अलामा मोहम्मद इकबाल यूं करते हैं अपने शेर में. अलामा मोहम्मद इकबाल ने उनकी इस खूबसूरत जो है वो अमल की तर्जुमानी की है. तो आइए देखते हैं कि शेर क्या है. परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस. स्टूडेंट्स, इस शेर में अलामा इकबाल कह रहे हैं कि जिस तरह परवाना यानी छोटा सा कीड़ा होता है जो रोशनी के गिर्द घूमता है, ठीक है जी, वो रोशनी को बहुत एडमायर करता है और उसको रोशनी से बहुत ही लगाव है, वो रोशनी के गिर्द घूमता रहता है. इसी तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह बुलबुल जो है वो फूल के गिर्द घूमती है, बुलबुल को फूल पसंद हैं, उसके लिए फूल ही सब कुछ है, इसी तरह सिद्दीक के लिए यानी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी हैं. जंगे यरमूक में ज़ख्मों से चूर एक ज़ख्मी को जब एक शख्स पानी पिलाने लगा, तो इसने करीब कराहते हुए दूसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने का कहा. कराहते हुए यानी दर्द से चिल्लाते हुए. जब पानी पिलाने वाला दूसरे ज़ख्मी के पास गया, तो इसने तीसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने का इशारा कर दिया. तीसरे ज़ख्मी तक जब पानी पहुंचा, तो वो इस असना में शहीद हो चुके थे. स्टूडेंट्स, अब देखें, जंग का मुकाम है, ज़ख्मों से चूर है वो और प्यासों से शदीद लगी है. जब उसके पास पानी लाया गया, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इतनी प्यास नहीं है, मुझे लगता है मेरे साथ वाले साथी को ज़्यादा प्यास लगी है, अब उसको पानी पिला दें. अब वो दूसरे साथी के पास चले गए. दूसरे साथी को जब वो शख्स पानी पिलाने लगा, तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे ज़ख्म तो फिर थोड़े कम हैं, मुझे लगता है तीसरे को ज़्यादा ज़रूरत है. अब वो तीसरे वाले के पास चले गए और जब तक वो तीसरे वाले के पास पहुँचे, वो तब तक शहीद हो चुके थे.
अब आगे देखिए कि क्या हुआ। पानी पिलाने वाला वापस दूसरे जख्मी के पास आया तो उनकी रूह भी परवास कर चुकी थी, यानी जब वो दूसरे वाले के पास वापस आए तो वो भी शहीद हो चुके थे। जब पहले जख्मी के पास आया तो वो भी दारे फानी से कूच कर गए थे। अब जब वो फर्स्ट वाले के पास पहुंचा तो वो भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं था। अपने ऐसे वक्त पे जब उन्हें पानी की शदीद ज़रूरत थी, उन्होंने दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दी। खुद पानी नहीं पिया लेकिन दूसरे को कहा कि वो पिए, और इस तरह तीसरे को कहा, लेकिन वो तीनों ही पानी न पी सके और शहीद हो गए। नज़ा के आलम में और शदीद ज़ख्मी हालत में भी साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का ये इसार और कुर्बानी बेमिसाल है। इसी तरह हिजरत मदीना के मौका पर अंसारी सहाबा ने महाजर सहाबा की जिस अंदाज से मदद की, उसकी नज़ीर मिलना भी मुश्किल है, यानी उसकी मिसाल भी मिलना मुश्किल है। इन वाकयात से हमें ये सबक मिलता है कि हम हर मुश्किल घड़ी में अपने इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों की मदद करें, ताकि हमारा मुआशरा और हमारी दुनिया मोहब्बत और अमन सुकून का गहवारा बन जाए। स्टूडेंट्स, आपको 3 एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं, 3 मिसालें बताई गई हैं इस्लामी तारीख से, और इन तीनों मिसालों में जो अखुवत, जो इसार, जो कुर्बानी का मुजाहरा किया गया है, वो मुझे नहीं लगता कि उनकी कहीं और मिसाल मिल सकती है। सो हमें इन मिसालों को अपने जहन में रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। हमें अब दूसरों की मदद करनी है ताकि हम अपने मुआशरे को अमन सुकून वाला मुआशरा बना सकें। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह से अपने मुआशरे को अमन सुकून वाला बना सकते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द गली मोहल्ले में ज़रूरतमंद नज़र आते हैं, उनकी खातिर ख्वाह मदद करनी चाहिए, यानी उनकी कोई ना कोई मदद कर देनी चाहिए। अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो भी, अगर किसी और चीज़ की है तो उनकी मदद करें। गरीबों, मस्कीनों और अपाहजों को खाना खिलाकर उनकी मदद की जा सकती है, यानी ऐसे लोग जो खुद कमा नहीं सकते, वो माजूर हैं बेचारे किसी बीमारी की वजह से या वैसे ही किसी और चीज़ की वजह से, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। गरीब ख़ानदानों की माली मदद करके उनकी ज़रूरत की जा सकती है पूरी। गरीब जो तंगी में हैं, जिनके घर पे पैसों की कमी है, तो उनकी भी मदद की जा सकती है पैसों के ज़रिए। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, हम उन्हें तालीम दिलवाकर मुआशरे के कारामद शहरी बना सकते हैं। कारामद मतलब मुफीद। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आपको नज़र आएंगे, बच्चे जो अपने घर वालों की कफालत में लगे हुए होते हैं, वो डिफरेंट जगहों पे काम भी कर रहे होते हैं बेचारे, और घर पे वो जो है पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन उन्हें तालीम का शौक़ बहुत होता है। तो हम ऐसे बच्चों की तालीम का जो है वो बेड़ा उठा सकते हैं, उनको तालीम दिलवा सकते हैं। ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास माल और दौलत हो तो हम दूसरों की मदद करने के काबिल होंगे। हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर अपने मुआशरे को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। अब ये भी लिमिट नहीं लगा दी उन्होंने कि चले जी पैसे नहीं हैं तो आप मदद ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप बग़ैर पैसों के भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि बग़ैर पैसों के कैसे जो है ना वो मदद हो सकती है। हमें जब एक जमात से दूसरी जमात में तरक्की मिलती है तो हम अपनी पिछली जमातों की किताबों को या तो अपने स्टोर में फेंक देते हैं या रद्दी के वाले के हाथ बेच देते हैं। अगर हम इन किताबों को ना बेचें तो ये किताबें उन बच्चों को दी जा सकती हैं जो माली मुश्किलात की वजह से किताबें नहीं ख़रीद सकते। अब स्टूडेंट्स ये देखें कितनी अच्छी बात बताई है उन्होंने हमें, कि हम अपनी पुरानी बुक्स को या तो फाड़ के कुछ कर लेते हैं उनका, या रद्दी वालों को बेच देते हैं तो, या स्टोर वगैरह में फेंक देते हैं। तो लेकिन ऐसा ना करें, बल्कि आप क्या करें, ऐसे स्टूडेंट्स को दे दें जो बेचारे पैसे ना होने की वजह से किताबें नहीं ख़रीद सकते। ठीक है जी, उनके काम आएंगी। इसी तरह हमारे मोहल्ले या हमसाए में कोई बीमार है और वो अस्पताल नहीं जा सकता, तो हम उसकी अस्पताल जाने में मदद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है जी, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो आप उसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, किसी बुज़ुर्ग या नबीना को सड़क पार करने में मदद दे सकते हैं, दैट्स ग्रेट। हसूल तालीम में किसी तालिबे इल्म की मदद की जा सकती है, यानी ऐसा स्टूडेंट जो थोड़ा वीक हो पढ़ाई में, ठीक है, और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कहीं जा के ट्यूशन ले सके या स्कूल से कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा ले सके, तो अगर आपको सबक आता है उसका तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। किसी हादसे के दौरान ज़ख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के ज़रिए उनकी जान बचाई जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इर्द गिर्द किसी को कोई चोट लग जाती है और वो एकदम से हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो आप फ़ौरन उसको फ़र्स्ट एड देंगे, ठीक है जी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, ताकि उसका ज़्यादा नुकसान ना हो।
अगर हमारे पास माल और दौलत हो तो इससे भी दूसरों की मदद करना लाजिम है। कुरान करीम में नेक लोगों की ये सिर्फ बयान की गई है, क्या सिर्फ बयान की गई है, कि वो अपने माल में से ज़रूरतमंदों और मुसीबत जदों पर खर्च करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करेगा, खुदा उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। देखें, हमने पीछे भी पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हैं, तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं तो अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ, वही काफ़ी हैं। तो यहाँ भी इस चीज़ को देख लें कि जब हम किसी अपने की मदद करते हैं तो अल्लाह की ज़ात हमारी मदद करती है। नेक्स्ट देखें जी, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद कर सकता है। ये दर हकीकत अपनी ही मदद होती है, क्योंकि हर इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। अगर एक इंसान आड़े वक्त में दूसरों की मदद करता है तो फिर जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो दूसरे भी उसकी मदद करते हैं। देखिए, यही नहीं है कि अगर आज आपने किसी की हेल्प की है तो आप कहें कि जी इसने मेरी कभी कोई की नहीं मदद, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप पर मुश्किल पड़ेगी तो वो जिसकी मदद आपने की है वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो दूसरे भी मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करेंगे, ठीक है जी। इससे बाहमी भाईचारे को फ़रोग मिलेगा और मुआशरा भी तरक्की करेगा। दीनी इस्लाम भी हमें यही दर्श देता है कि लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। हमें चाहिए कि हम हर ज़रूरतमंद की मदद रंग, नस्ल, ज़ुबान, मज़हब और इलाके की तफरीक के बग़ैर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए करें। यानी ये ना देखें कि इसका रंग काला है तो हमने इसकी मदद नहीं करनी, इसकी नस्ल कोई और है जी, ये तो कोई और ज़ात से हैं, हमने इनकी मदद नहीं करनी। देखिए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें ही ना आप लोग, बस ये सोचें कि ये एक इंसान है और इसको हमारी मदद की ज़रूरत है, और फिर आप इसकी मदद कर दें। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बहुत ही खूबसूरत शेर से उन्होंने इस सबक को अहतमाम किया है, ख़त्म किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे तो बहुत सारे हैं, ठीक है जी, लोग तो दुनिया में बहुत से हैं, बनों में फिरते हैं यानी जंगलों में फिरते हैं, बन कहते हैं जंगल को, तो वो कहते हैं कि जंगलों में फिरते हैं मारे मारे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने कैसा बंदा बनना है, मैंने ऐसा इंसान बनना है जो अल्लाह के बनाए हुए इंसानों से प्यार करेगा, अल्लाह के बनाए हुए इंसानों की मदद करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। हमने इस सारे सबक की रीडिंग की, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, हमें ये सीखने को मिला कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो आज से ही आप लोगों ने कोशिश करनी है जी कि आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें, किसी को अगर मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें, ठीक है। आज का सबक यही था, आपने इसको अच्छे से रीड करना है। कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, हम आराम से इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, घर पर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।